हेलो भाई, मैं अवंकित। मारुति सुजुकी की एक छोटी सी कार है जो बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस में आती है। उस गाड़ी का पिछले कुछ महीनों से बहुत ही अच्छा सेल हो रहा था, लेकिन इस महीने भाई आप नहीं बिलीव करोगे, 2391 गाड़ी है कम भी की है, 2391 गाड़ी है। जबकि मार्च में मारुति वालों ने अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया उस कार पे, लेकिन फिर भी नहीं बिकी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वाले वीडियो में अपन मारुति सुजुकी एरिना की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे, पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उस गाड़ी में कौन कौन सा इंजन ऑप्शन मिल जाता है, कौन कौन सा ट्रांसमिशन मिलता है, इसके अलावा उस गाड़ी का कितना ऑन रोड प्राइस है वो भी जानेंगे डिटेल में एकदम। अक्सर आपने देखा होगा मारुति सुजुकी का हर जगह दो शोरूम होता है, एक नेक्सा होता है, एक एरिना होता है। आज अपन एरिना का जान लेते हैं, कल अपन इसी टाइम पे नेक्सा का जान लेंगे, क्योंकि दोनों का एक ही में मर्ज कर दूंगा ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। इसीलिए मैंने सोचा कि एरिना का अलग बना लेते हैं और नेक्सा का अलग बना लेते हैं, हर महीने बनाता हूं ऐसा ही भाई। खैर, मारुति सुजुकी ने एरिना सेगमेंट में मार्च के महीने में 104,818 गाड़ियों को बेचा है, वहीं फरवरी में 110,213 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब इन्होंने 5,395 गाड़ियां कम बेचा है मार्च के महीने में फरवरी के मुकाबले। अभी जो मैंने आपको ये आंकड़ा बताया 104,818 यूनिट का, इसमें कौन कौन सा मॉडल कितना बिका है और जान लेते हैं। तो एरिना सेगमेंट में इनके पास 9 प्रोडक्ट है भाई। तो 9th नंबर पे इनकी एस्प्रेसो, ये माइक्रो एसयूवी जैसी दिखती है भाई, लेकिन माइक्रो एसयूवी है नहीं, इसको आप हैचबैक ही बोलो। इसकी मार्च में 2497 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 3059 यूनिट का था। मतलब भाई 562 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने एस्प्रेसो की। ये आपको 4,98,000 रुपए से शुरू होकर 7,09,000 रुपए तक मिल जाती है भाई। रही बात इंजन वगैरह की, तो इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी भी मिल जाता है, लेकिन डीजल नहीं मिलता। रही बात ट्रांसमिशन की, तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। अगर देखा जाए तो ये गाड़ी ऑल्टो के प्राइस में आपको मिलती है भाई, लेकिन इसका डिज़ाइन यार अजीब सा है। मतलब बहुत लोगों को पसंद भी आता है और मेरे जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आता, अजीब अजीब से दिखती है एकदम डब्बा जैसी। खैर, बात करें अगली गाड़ी की, तो 8th नंबर पे सेलेरियो, ये अच्छी दिखती है भाई। हाल फिलहाल में इसको अपडेट किया गया है, इसकी 3478 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 3586 यूनिट का था। मतलब 108 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। सेलेरियो आपको 6,24,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 8,27,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। पता नहीं सेलेरियो इतना कम कैसे बिक रही है कुछ महीनों से, लेकिन ये डिजर्व करती है कम से कम 5,000 यूनिट बिकना, जिस हिसाब से इसका प्राइस है, जिस हिसाब से लुक है, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, 7th नंबर पे है भाई वही छोटी सी कार जिसका स्टैंडिंग मैंने जिक्र करा था, अल्टो केटिन की बात कर रहा हूँ। ये भाई 9,332 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 11,723 यूनिट का था। मतलब 2391 गाड़ियाँ कम बिकी अल्टो केटिन की, 2391 गाड़ियाँ। अगर देखा जाए तो ये मारुति की सबसे सस्ती कार है, ये आपको 4,67,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 6,92,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। मतलब इतनी सस्ती है फिर भी इसके सेल्स में गिरावट हो जा रहा है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, सीएनजी मिल जाता है और मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। इस कार में अपने को जो इंजन मिलता है वही इंजन भाई अपने को एस्प्रेसो में मिलता है, तो पावर में इतना सा का भी डिफरेंस नहीं और माइलेज में भी 19-20 का ही डिफरेंस है भाई, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो अल्टो K10 के कम बिकने का कारण आपको पता हो तो मुझे बताना भाई, मेरे तो समझ से बाहर है। बताओ, इतनी अच्छी गाड़ी है, इसको ज्यादा बिकना चाहिए। खैर, बात करें अगली गाड़ी की, तो 6th नंबर पे इनकी ईको, इसकी भाई 12,019 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 12,147 यूनिट का था। मतलब 128 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ईको की। ये आपको 6,25,000 रुपए से शुरू होकर 7,68,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और सीएनजी भी मिल जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन के तौर पर आपको मैनुअली मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता, क्योंकि ये मतलब उतना फेमस कार नहीं है भाई, लेकिन हाँ बिक जाती है अच्छा खासा भाई। बाकी हाँ, 5th नंबर पे है इनकी ब्रेजा, इस गाड़ी का कितना क्रेज है आप सभी अच्छे जानते हैं। इसकी भाई 14,614 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में 15,765 यूनिट बिकी थी। मतलब 1,151 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ब्रेजा की। ये आपको 9,79,000 रुपये से शुरू होकर 16,58,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। मार्केट में चाहे कितनी भी कार आ जाए भाई, लेकिन मारुति सुजुकी ब्रेजा का क्रेज कभी खत्म नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं। बाकी बात करें अगली गाड़ी की, तो 4th नंबर पे इनकी अर्टिगा, ये MPV है भाई। इसकी 14,888 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में 15,519 यूनिट बिकी थी। मतलब भाई 631 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने अर्टिगा की। ये आपको 10,19,000 रुपए से शुरू होकर 15,30,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है और इस गाड़ी पे आपको अच्छा खासा वेटिंग भी देखने को मिलेगा अगर आप सीएनजी वाला वेरिएंट लेते हो तो।
नॉर्मल लेते हो तो कोई टेंशन नहीं है भाई, तुरंत मिल जाता है हाथों हाथ है। तो अर्टिगा जैसी गाड़ी के सेल्स में गिरावट है तो भाई ऑल्टो फल्टो का तो छोड़ ही दो। खैर थर्ड नंबर पे है भाई इनकी स्विफ्ट है, ये भाई 15,728 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में 13,165 यूनिट बिकी थी, मतलब 2563 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने स्विफ्ट की। ये आपको 7,02,000 रुपये से शुरू होकर 10,58,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है, डीजल इंजन नहीं मिलता भाई। स्विफ्ट के नेक्स्ट जनरेशन का क्रैश टेस्ट हुआ है भाई अदर कंट्री में, भाई 4 स्टार का सेफ्टी रेटिंग मिला है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है यार। वैसे ही क्या अगर इंडिया में लॉन्च कर दे तो कितना मजा आता, लेकिन देखते हैं भाई लॉन्च करेंगे स्विफ्ट का नेक्स्ट जनरेशन तो लॉन्च करेंगे, लेकिन अब कब करेंगे उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है भाई, और किसी को आइडिया नहीं है क्योंकि मारुति अगर जब तक ऑफिशियल नहीं बताएगा तो कोई अंदाजे पे ही ना बताएगा आपको, बताओ। खैर सेकंड नंबर पे है भाई इनकी सेडान कार डिजायर, इसकी भाई 15,894 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में 15,837 यूनिट बिके थे, मतलब 57 गाड़ियाँ ज़्यादा बिके पिछले महीने के मुकाबले इस महीने डिजायर की। ये आपको 7,66,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 10,99,000 रुपये तक मिल जाती है। इसके सेल्स में भाई पिछले महीने गिरावट हुआ था, लेकिन इस महीने चलो 57 यूनिट इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ी बात है। ये आपको पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाती है, प्लस में सीएनजी में भी आप इसको ले सकते हो, रही बात ट्रांसमिशन की तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। देखो डिजायर ऐसी कार है ना भाई जिसको फैमिली वाले या फिर लोग बाग घर पे कम, शादी ब्याह या फिर बारात वरात में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी कार है भाई, देखने वाली से सस्ती सस्ती सी लगती नहीं है, स्पेस भी काफ़ी इसमें अच्छा मिल जाता है। खैर नंबर वन पे आई है हमेशा की तरह भाई इनकी बक्सा जैसी दिखने वाली कार वैगनार, इसकी 16,368 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में 19,412 यूनिट बिकी थी, मतलब 3,044 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 3,044 गाड़ियाँ वैगनार का कम बिका है। बाप रे बाप, इसके सेल्स में कैसे गिरावट हो गया भाई, मेरे समझ से तो बाहर नहीं, तो ये गाड़ी भाई दबा के बिकती है इंडियन मार्केट में, मार्केट कैसा भी रही इसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्च का महीना इस कार के लिए अच्छा नहीं रहा। ये कार आपको 6,45,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 8,66,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी भी मिल जाता है, रही बात ट्रांसमिशन की तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। तो यही कहानी है भाई मारुति सुजुकी एरिना की सारी गाड़ियों का, आई होप आप सभी को मजा आएगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।